ये दुनिया जो है ना गोल है, और आज मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग देखो चीजों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद फिर तुरंत भूल भी जाते हैं, यानी कि उनको फॉलो नहीं करते। अगर हम सब लोग सही चीजों को फॉलो करने लग जाएं तो डेफिनेटली हमको राहत मिलेगी। जो मैं बताने जा रहा हूं इस चीज को ब्रॉड माइंड होकर के आपको सोचना है। कई बार ऐसा होता है ना कि कमेंट हम देखते हैं कि साहब जो बातें आप बता रहे हो पत्नी तो मानती नहीं है। देखो हमें दूसरे पर नहीं बोलना है कि वो मानता है या नहीं मानता। अगर हम सब, चाहे इस वीडियो को कोई भी देख रहा है वो वाइफ है या हस्बैंड है, अगर वो सब अपने अपने जीवन में उतारने लगे तो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कोई करे ना करे, हम खुद को तो एटलीस्ट सही कर लें, उतना बहुत है। देखो जो कुछ भी हम लोग करते हैं ये दुनिया गोल है, वो चीज हमारे सामने आएगी आएगी। और आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आपके सामने आए होंगे कि भाई किसी ने गलत किया उसके साथ गलत हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने आते हैं। अब एक हमारे जानकार थे, उन्होंने उन्होंने रेंट पे एक कमरा लिया, कई साल वहां पे रहते रहे 15-20 साल, और जब उन्हें खाली करने के लिए बोला गया उन्होंने कमरा खाली नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खुद वकील साहब थे और केस चलता चला गया, लेकिन उन्होंने मकान का कब्जा नहीं छोड़ा। मकान बहुत पुराना था, हालांकि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा। मन में था कि कब्जा नहीं छोड़ना है। अब क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने हमारे मतलब जानकारी हैं, काफी अच्छे जानकार हैं जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ दूरी पर एक अच्छी पॉश लोकेशन पे कुछ समय बाद एक जमीन खरीदी और अपना घर बिल्डअप किया। लेकिन घर बिल्डअप होने के बाद भी वो लोग उस मकान को इसलिए नहीं छोड़ रहे थे कि कब्जा छूट जाएगा। और मीन वाइल क्या हुआ कि उनका जो नया घर बना हुआ था उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, और वो आदमी पुलिस को बिलोंग करता था। और दोस्तों वो घर बनने के तुरंत बाद जब कब्जा हुआ, वो बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लगाते रहे, बंदे ने कब्जा नहीं छोड़ा, बहुत दबंग बंदा था। और बाद में बहुत अच्छी मोटी अमाउंट उस बंदे को देनी पड़ी उस कब्जे को छोड़ने के लिए। यानी जितना गलत आपने जीवन भर किया ना, एक पुराने मकान को कब्जा के वो 2 मिनट में बाहर आ गया। और ऐसा सबके साथ होता है, गलत और बेईमानी से कमाई गई चीज बहुत तेजी से हमारे हाथ से निकलती है, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्यों है। एक्चुअल में ये हुआ इसीलिए क्योंकि आपने किसी के साथ ऐसा किया था। तो ये जो विवाद है, मैं यहां किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। बहुत सिंपल बात है, जो गलत करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। और हम गलत करने के लिए यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, हम यहां पर सही करने के लिए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो विवाद हम लड़ रहे हैं, ठीक है सब चीजें, आप मतलब क्या फर्क पड़ता है उससे कि आप पति हैं या पत्नी हैं। आपको तो बस एक देखना है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, और हमें कोई लालच अपने मन में नहीं रखना, क्योंकि जितनी चीजें आजकल होती हैं इनमें 90% ग्रीड का रोल होता है, लालच का रोल होता है। कोई किसी लालच में, कोई किसी लालच में, कोई किसी लालच में। जहां लड़कियों के साथ गलत होता है वहां पे इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए, दहेज के लालच में। और जहां लड़कों के साथ गलत होता है, फॉल्स केसेज होते हैं, वहां इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए, उन केसेज को समेटने की एवज में। तो यानी अगर देखा जाए तो जो इंटेंशन और मोटिव होता है वो तो पैसा ही है। आप देखो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जिसको ईश्वर इतना ना दे कि वो अपना पेट ना भर ले। हर एक व्यक्ति को इतना पैसा जरूर मिल जाता है कि वो अच्छा खा सकता है, उसके सर के ऊपर छत होती है, उसे किसी प्रकार का गलत काम करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो भी आप काम करते हो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो सही है गलत है। कोई ऐसा जो गलत काम करे और उसे ना पता हो कि मैं गलत कर रहा हूं, बस वो खुद को जस्टिफाई करता रहता है। जहां उसका प्रॉफिट उसे दिखता है वो उस गलत काम को भी करता है और फिर खुद को जस्टिफाई करता है कि हाँ ये तो ठीक है, ओके है, प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत को प्रैक्टिकल नाम दे देते हैं। क्या फायदा ऐसे प्रैक्टिकल होने का जहां पर आपका स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है। जो आदमी गलत करके पैसा किसी भी तरह से उगाही कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको अपने स्टैंडर्ड क्यों गिराना है और करना क्या है? क्योंकि जितना पैसा अपने पास इस प्रकार से आता है, इसमें मल्टीप्लाई 3 होके ये पैसा उतनी तेजी से निकल जाता है, पता नहीं चलेगा आपको। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ परेशानियों से आप घिरे रहते हैं। यकीन माने आप ये सारी चीजें छोड़ दें, और खुद जो भी आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है या बिजनेस में है, उससे जो आपकी अर्निंग होती है बस उसको अपना आधार बना ले। काम करके ईमानदारी से जितना आ रहा ठीक है, उसमें आपकी संतुष्टि भी है और वो ही सही है हर मायने में। तो अब ये बोलते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं दूसरी पार्टी का समझ में नहीं आता। समझ में आए ना आए, आपके समझ में आ रहा है, जिसके समझ में आ रहा है वो तो उसको माने। अब ऐसा तो है नहीं कि इस वीडियो को एक ही पार्टी देख रही है, दोनों पार्टीज देख रही है। कोई पत्नी होके देख रही है, कोई माँ बाप होके देख रहे हैं, कोई हस्बैंड होके देख रहा है। तो आप लोग को इतना समझ में आ रहा है कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। तो हमें सही होकर के चलना है। अगर हमने अपने माइंड में, देखो जब शादी होती है आज के समय पे क्या हो रहा है, शादी होने के बाद तुरंत विवाद। क्यों? छोटी छोटी बातों पर। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, वो एक्स्ट्रा में मिलता नहीं।
बहुत से मामले हमने देखे हैं जहां हस्बैंड की इनकम 15-15 लाख रुपए पर मंथ है, किस चीज की कमी है? आप घूम रहे हो फिर रहे हो, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही केस, और वो भी केस ऐसा जो बिल्कुल निराधार, जिसमें आपने उन लोगों के नाम लिखा रखे जिनसे आपको भी मिले ही नहीं। तो इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है? कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन है ना, इनसिक्योरिटी है मन में। किस चीज की इनसिक्योरिटी हमारे मन में होनी चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं इतना पैसा दे दो तब कम, इनसिक्योरिटी है जी। किस चीज की इनसिक्योरिटी है? जिस ईश्वर ने आपको पैदा किया क्या वो आपको खाने को नहीं देगा? 100% खाने को देगा, पहनने को देगा। इवन उस ईश्वर ने जिन लोगों को ऐसी अवस्था में रखा हुआ है ना जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, उनको भी खाने को मिल रहा है ना। मिट्टी के अंदर देखो, पत्थर के अंदर देखो, ईंटों के अंदर देखो, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मरते कभी भूख से, उनको भी खाना मिलता है। तो जब उनको खाना मिल रहा है तो क्या हमें नहीं मिलेगा? तो किस बात की इनसिक्योरिटी? जब उस ईश्वर ने जन्म दिया है तो वो खुद अपने आप सारी व्यवस्था करता है, सब मैनेज करता है। तो ये सब जो भावनाएं हैं, इनसिक्योरिटी, ईगो, मैं कुछ नहीं हूं क्या, दूसरे से कंपेयर करना, ये सभी चीजें तो खराब करती हैं। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है जो कि हैप्पीली मैरिड है। अब उसमें क्या है, हैप्पीली मैरिड क्यों है वो? क्योंकि लड़की आई, लड़की ने वहां पर अपने पति को और अपने पति के परिवार वालों को अपने ही घर के जैसा समझा। अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो चुप हो गई ताकि आर्ग्यू ना हो, घर का एनवायरमेंट खराब ना हो। पति के जो माँ बाप थे उन्होंने उस लड़की को जो आई उसे अपनी बेटी की माफी के समझा। अब लेकिन यहां पर क्या है कि जब एक साथ रहते हैं ना तो लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली होंगे, माँ बाप डांटेंगे भी। और अब एक तो हो गया कि उन्होंने डांटा, अगर हमें बुरा भी लगे हम चुप हो गए, थोड़ी देर में मामला शांत हो जाता है। या उन्होंने जो बोला हमने समझने की कोशिश करी, उन्होंने क्यों बोला, कोई अच्छी अच्छे के लिए तो नहीं बोला हमारे। और एक हो गया कि उन्होंने कुछ बोला तो उन्हें गलत बोल के चुप करा दिया, मेरी मर्जी, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो चाहूं करूंगी, एक ये स्थिति बनती है। तो अब ये हमें सोचना है, अगर आपकी सोच ऐसी है, देखो मैं सिंपल कहता हूं कि आप लोग के जो बच्चे हैं उनको सिखाओ कि उन्हें जीवन कैसे जीना है, वरना उनके साथ भी यही होने वाला है जो आज आपके साथ हो रहा है। ठीक है, ये मतलब ये एक चक्र है, एक सर्किल है, आप इसे अपने तक सीमित मत समझो। जो भी इस तरह के विवाद चलते हैं उनमें कुछ समय के बाद आप देखो लड़की, उसके परिवार वाले सबकी लाइफ खराब तो होती है, लड़कियों की 34, 35, 40 इवन हो जाती है। किस काम के रहते हो आप लोग? किसी भी काम के नहीं रहते, और सोसाइटी में भी आपको गलत नजरों से देखा जाता है। इवन आपके खुद के बच्चे जो बड़े होकर 18 साल के होंगे ना, वो भी आपको गलत नजरों से देखेंगे, और उनके साथ भी फिर यही सर्किल रिपीट होगा जो आज आपके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा वही मिल रही है, वो वही सब देख रहे हैं। तो आपका मेन पर्पज होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गाइडेंस दें, उन्हें जीवन में कैसे चलना है, प्रैक्टिकली कैसे रहना है। हमारा छोटा बच्चा होता है वो किसी को नमस्ते नहीं करता, हम उसकी कनपट्टी के पीछे लगाते हैं कि चल नमस्ते कर, क्यों? हमें पता है अच्छी चीजें आज नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर भी नहीं करेगा किसी को, करते कि नहीं करते। तो वैसे ही हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें किस हद तक कैसे मतलब करना है। उन्हें पहले से हमें बताना चाहिए कि तुम दूसरे घर में जाओगे तो तुम्हारे साथ डिफरेंसेज बनेंगे वहां पर, तो डिफरेंसेज वहां पे बनेंगे, ऐसा नहीं चलेगा जैसे यहां पे चल रहा है, डिफरेंस आएंगे, और इसको संजोना आपके हाथ में है। माँ बाप का क्या है, माँ बाप की लाइफ ही कितनी होती है, उसके बाद माँ बाप ने तो निकल जाना है। और बहुत से मामले होते हैं, लड़का लग जाएगा काम कर रहा होता है, आप लड़के के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन हमने देखा जहां पे आप सोल भी रह रहे हो, माँ बाप वगैरह कोई भी साथ में नहीं है, पति और पत्नी रह रहे हैं, वहां दो लोगों की नहीं बन रही आपस में, क्यों नहीं बन रही, क्या दिक्कत हो गई, समझ में नहीं आता। बहुत सिंपल है भाई, दोनों लोग, कई बार होता है दोनों लोग अर्निंग है, दोनों लोग के पैसे आ रहे हैं, मजे करो ना यार, 1 लाख आप कमा रहे, 1 लाख आप कमा रहे, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, मजे से एंजॉयमेंट हो सकती है, मजे से जिंदगी चल सकती है। लेकिन पता नहीं किस चीज की इनसिक्योरिटी, किस चीज की फीलिंग क्या दिमाग में है, ये सारी चीजों को, इन भावनाओं को बदलना पड़ेगा। जिस दिन आपने भावनाएं बदल दी, अपनी सोच बदल दी, सब चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जब तक सोच नहीं बदलोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं कि कैसी सोच होनी चाहिए, बच्चों की सोच जब वो छोटा सा बड़ा हो रहा है ना, 3-4 साल का है, तब से उसमें डेवलप करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बच्चा 18 साल का बन गया उसके बाद आप उसे धमका रहे हो फिर नहीं सुनता कुछ, पहले से आपको उसकी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। अगर उसकी सोच अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। कुछ लोगों को छीन के खाने में मजा आता है और कुछ को लोगों को खिलाने में मजा आता है, ये सब सोच पे है। तो सोच अच्छी कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।